नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है कि आप अपने बिजनेस में किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा मजबूती से ही आती है, ऐसे आप सोचने से कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। जब आप ग्राउंड पर मजबूती से काम करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं मार्केट में, आप अपने प्रॉफिट हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन आप बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने ग्राउंड में काम किया है, मैं वही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मार्केटिंग का सबसे मजबूत पहलू होता है बिजनेस में। इसके लिए जब से मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, मैंने कभी भी अपने बिना ब्रांड के पैकिंग में अपना माल कभी आज तक मैंने नहीं भरा है। मैंने पहले दिन से ही अपना लेबल लगा के ही मैंने मार्केटिंग शुरू की। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, कि मेरा जो पहला जो प्रोडक्ट था वो आज भी है, बहुत मजबूत प्रोडक्ट है, वो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मिल्की पैकिंग है। मिल्की मतलब सिंगल लेयर पैकिंग, और मिल्की में आती है ये, इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं। और ये जनरल पैकिंग है। जनरल का मतलब कि इसमें जो मटेरियल है वो अलग अलग वेट वेरिएशन पे होता है। पैकिंग यही होती है, पन्नी यही होती है। इसमें आपको 550 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, इस तरह से आपके पैकिंग जो कि हमारे मार्केट को चाहिए, जहाँ पे जो माल बिकता है, जहाँ पे हम अपना बेचते हैं, उस हिसाब से इसे हम पैक करते हैं। और जो दोस्तों इसके रेट भी हैं, वो हमेशा मैदे का जैसे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। और ये हमारा पूरा कंजम्पशन पे जाने वाला प्रोडक्ट है। मैंने आज आपको दिखाया है, पहली बार सी शायद वीडियो में है कि ये देखिए हमारा कंजम्पशन लाइन का प्रोडक्ट है। ये आप ये जितना भी होटल है, ठेलिया है, जो रोड रोड कॉर्नर है, आप देखते होंगे गांव में रोड कॉर्नर, उन पे ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता है पैकिंग का कि उन्हें केवल माल अच्छा चाहिए होता है। तो उस पे और हमें भी उनको वैल्यू फॉर मनी में माल देना देना होता है। तो उस तरह से ये हमारा ब्रांड है। ये मेरा सबसे पुराना ब्रांड, सबसे पहला जब मेरी फैक्ट्री शुरू हुई थी तब का मेरा ये पैकिंग है। इसके बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि जब इस तरह से मैंने स्टेबिलिटी ले ली मार्केट में थोड़ी सी, मैंने मुझको लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज करने चाहिए। क्योंकि रियलिटी दोस्तों ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो आप इसको देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट, इसमें ये जो पैकिंग है, इसमें आप जो है बहुत अननेसेसरी मार्जिन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके मैन्युफैक्चरर भी काफ़ी हैं और मार्केट का साइज ही बहुत बड़ा है। तो जहाँ पर मार्केट साइज बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप 15 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये के मार्जिन पे काम करें, ऐसा नहीं होता है। तो अब दूसरा है दोस्तों ये, इसको भी आप देख लीजिए, ये हमारा ट्रेडमार्क है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप केवल समझ जाएं, बाकी मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा अपनी। ये जो मटेरियल है, ये आप देख लीजिए इस तरह से पैकिंग है इसकी। और दोस्तों जो लोग काम कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो पैकिंग है, ये सिलेंडर पैकिंग है। इसके सिलेंडर बनते हैं, सिलेंडर के बाद इसकी पैकिंग प्रिंटिंग होती है। और ये जो प्रिंटिंग है, ये जो है डबल लेयर, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एलडी लगी हुई है, ये व्हाइट कलर की एलडी, ये जो आप एलडी देख रहे थे, ये वाली, ये एलडी इसके अंदर लगी हुई है, और ऊपर से इसके पॉलिस्टर है। तो ये डबल लेयर पन्नी बोली जाती है ये। और दोस्तों इसका ये हमने जो कि हमारा, क्योंकि पैकिंग महंगी पड़ती है, तो हमने इसका जो हमारा ब्रांड है, इसमें स्टैंडर्ड साइज ही है ये 550 ग्राम पे ही ये आता है। और इसको हम मार्केट में जो है, ये हमारा ब्रांडिंग के रूप में चलता है एक तरह से। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें केवल पन्नी का ही इम्प्रूव किया गया है, इसमें पन्नी भी इम्प्रूव है और क्वालिटी भी आपको इससे डिफरेंट ही मिलेगी। जब आप इसको यूज करेंगे तब आप समझेंगे कि नहीं, इसकी क्वालिटी इम्प्रूव है। इसमें महीन नूडल्स है, और वो इस तरह से है, महीन भी है, स्टिकी भी है, कि उसमें जब आप बॉयल करते हैं तो किसी तरह से माल ना ही दूसरे में लिपटता है। मतलब बहुत सारे क्वालिटी कंसर्न हैं, जो लोग यूज़ करते हैं वही जानते हैं। ये हमारा, लेकिन ये हमारा जो मटेरियल है, ये अच्छे अच्छे होटल्स में भी जाता है, तो और ऊपर से हमारे घरों में भी जाता है। तो इस तरह का दोस्तों मटेरियल है ये, आप देख लीजिए, ये भी हमारा ब्रांड है जो चलता है। और जो जो दोस्तों बेचने का जो सिस्टम है मार्केट में, तो इसका हमारा रेट जो है लगभग एक साल में एक बार चेंज होता है, और बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और इसका जो है, इसका तो जैसे जैसे मैदा अप डाउन होता है, वैसे वैसे इसका अप डाउन होता है रेट। तो बस मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपने अपनी ब्रांडिंग अलग की, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने क्वालिटी अपने मेंटेन की, और आपके जो मार्जिन्स हैं वो ऐसे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारा केवल होम बेस्ड प्रोडक्ट है ये।
ये देखिए आप, इस पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पैकिंग है, आप देख सकते हैं ये नूडल्स, ये दोस्तों 250 ग्राम का पैकेट है और 250 ग्राम पे ये जो है इस तरह से है कि ये केवल होम टू होम प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव है। मतलब इन तीनों में से सबसे अच्छी क्वालिटी इसी नूडल्स पे है और ये हमारा बहुत कॉस्टली भी, मतलब बहुत कॉस्टली का मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कि जो इन चीज़ों जो इन पे जो मार्जिन मिलते हैं इनके मार्जिन से इसके मार्जिन भी हमारे ज़्यादा हैं। आप पैकिंग भी देख सकते हैं, पैकिंग इम्प्रूव है, सिलेंडर पैकिंग है और ये जो है इस तरह से है। इस पे हम मसाला भी अपना देते हैं, मैं आपको मसाला अभी आपको दिखा देता हूँ, वन सेकेंड। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मसाला जो है ये इस पैकिंग के साथ में इस पैकेट के अंदर जाता है। जैसे कि ये एक पैकेट मसाला है, ये जो है इसके अंदर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप इम्प्रूव करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को, अपने जो है, मैं एक मिनट थोड़ा सा रख लेता हूं तो मैं फिर आपसे बताता हूं आपको। जब दोस्तों आप इस तरह से इसको इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे हमने किया है, हमारा कोई एक दिन का काम नहीं था ये, धीरे धीरे मार्केट से एक्सपीरियंस लेके हमने इन चीज़ों को जो है मैनेज किया है। तो दोस्तों जो जिस तरह से आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसी तरह से आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हैं। मैं एक आपको आइडिया दूंगा, मैं कोई रेट आपको नहीं बताऊंगा अपना वीडियो पे, क्योंकि हमारे रेट बदलते रहते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि कोई भी होलसेल रेट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं एक आपको केवल मार्जिन का दूंगा, वो भी एक ऑन एवरेज। सपोज करिए कि ये जो आपका नूडल्स है ये इस तरह का, और एक नूडल्स आपका ये है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं तीसरे पैसे पकड़ूँ और इसको भी आप देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं इसको, ये तो इन तीनों में दोस्तों अगर मुझे इस नूडल पे मान लीजिए मार्जिन मिल रहा है 4 रुपए केजी का, केजी के हिसाब से, मैं तो मेरे फैक्ट्री का मार्जिन पैकेट के हिसाब से नहीं, मेरा केजी जितना माल बनता है एज ए केजी के हिसाब से मार्जिन, सपोज करिए 4 रुपए केजी इस पे मिल रहा है, तो दोस्तों मेरा जो इसका मार्जिन है ये लगभग 7 से 8 रुपए केजी का है, ठीक है। और जो इसका दोस्तों मार्जिन है ये लगभग 15 रुपए केजी का है, ठीक। इस तरह से मैंने सेटअप कर रखा है। अभी जो मुझे इसके आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि हर साल मैं कोई ना कोई एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करूं। इंट्रोड्यूस दोस्तों करते हैं तो उसमें रिस्क होता है 100%, या तो वो चीज़ चलेगी या तो वो चीज़ डाउन आएगी। तो लेकिन जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे भी नहीं, ना ही आगे बढ़ेंगे। तो जो मेरा है तो मैं तो स्वयं ही करता हूँ, और जो भी डायरेक्शन है तो वो मैं, जब कोई देने वाला ना हो तो भगवान होते हैं, मेरे गुरु हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। अभी दोस्तों जो हमारा है, तो ये पैकिंग जो मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारी पैकिंग नहीं है, ये किसी दूसरे की पैकिंग है। और हम लोग किस तरह से आगे और अपना इम्प्रूव करेंगे मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह से हर बिजनेसमैन को, हर इंसान को अपना, जैसे कि जॉब में प्रमोशन लोग बोलते हैं, वैसे बिजनेस में प्रमोशन के लिए भी ये जरूरी होता है कि आप बदलाव करते रहें। तो दोस्तों इस तरह की पैकिंग आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी पैकिंग हमारी आने वाली है, इस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह ये पैकिंग नहीं होगी हमारी, कुछ इस तरह की पैकिंग आएगी, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। और ये पैकिंग दोस्तों जो हमारा माल होगा उसके लिए भी हम अभी अपना जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को अभी जो है एक तरह से R&D चल रहा है उसमें, और आप देखेंगे जब ये पैकिंग हमारी आएगी, इतनी जल्दी इसको नहीं लेके आएंगे हम पूरा सोच समझ के लेके आएंगे, क्योंकि इस पे हमारा जो टारगेट है वो हमने काफ़ी बड़ा रख रखा है अपना। तो लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक कहने की बात बोल रहा हूँ, ये तो मैंने आपको अपने लिए दिखा दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि आपको किस तरह से मार्केट में अपना धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप काम करते हैं, तो अगर आपकी फैक्ट्री 1000 केजी 1200 केजी भी अगर आपको प्रोडक्शन करके देती है, तो आप ऑन एवरेज अगर निकालेंगे तो आपको एक सफिशियंट मार्जिन उसमें मिलेगा। अब उसको उस मार्जिन को मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि वो 10 रुपए आएगा कि 12 रुपए मिलेगा कि 15 रुपए मिलेगा, लेकिन इतना है कि आप एक सफिशियंट मार्जिन, एक फैक्ट्री के लिए एक अच्छा मार्जिन अपने लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने की यही एक तात्पर्य था कि आपको जो है समझ में आए इन चीज़ों को, कि नूडल्स का बिजनेस बहुत छोटे दिमाग से मत सोचिए, स्टार्ट करने में बहुत छोटा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप उसमें पुराने होते जाते हैं, जैसे उसमें आप अपना जो है मार्केटिंग बढ़ाने के लिए एफर्ट डालते जाते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारी रेंज तैयार हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।